guys, welcome back to my new video. तो जैसे कि तुम लोगों को पता है मैं सोमनाथ गया था, तो वहाँ पे मैं एक मंदिर गया जो मेरा फेवरेट मंदिर था. वहाँ पे पीछे की तरफ और भी बहुत सारे मंदिर थे, बट ये वाला मंदिर मेरा फेवरेट था. ये राम जी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत सुंदर से राम जी की मूर्ति है. यहाँ पे बाहर की तरफ जैसे कि तुम देख सकते हो कृष्णा जी की भी मूर्ति है. पीछे की तरफ भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे. यहाँ पे तीन शिवलिंग थे, हमने वो रिकॉर्ड नहीं किए, और एक परशुराम जी का भी मंदिर था. यहाँ पे अलग से तुम्हें टेबल मिलता है जहाँ पे तुम एक बुक में राम राम लिख सकते हो. ज्यादा पुराना नहीं था ये मंदिर, बट इसकी कार्विंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी थी. ये मंदिर बहुत ज्यादा बड़ा था, यहाँ पे दो फ्लोर्स थे. नीचे वाले फ्लोर में कुछ नहीं था, तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाले मंदिर वाले फ्लोर में गए थे. बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा अच्छा था ये मंदिर. यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां भी थी जो लोगों ने बनाई थी अपने हाथों से, बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी वो. गणेश जी की सारी मूर्तियां थी जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ की कार्विंग्स अच्छी हैं आज के हिसाब से. तो यहाँ पे सारे नौ जो हमारी नौ माताएं हैं उनकी भी मूर्ति थी और उनके नाम भी लिखे हुए थे. बहुत ज्यादा अच्छा मंदिर था ये, मेरा फेवरेट था वहाँ का. यहाँ से व्यू भी बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा था पेड़ों का, देख सकते हो गणेश जी की कितनी सारी मूर्तियां हैं. ये लोगों ने अपने हाथों से बनाई है, हैंडमेड है ये, सबसे अच्छी बात ये है. और ये मंदिर एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा था. देखो ये हमने शिवलिंग की शिवलिंग जो मैं बोल रहा था, तीन शिवलिंग उनका वीडियो बनाया है. ये वाले शिवलिंग थोड़े बड़े थे और ये थर्ड वाले वाइट कलर के थे. ओवरऑल बहुत अच्छा मंदिर था. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय बाय.